तो मैं आपको पतंजलि योग सूत्र से आपके दिमाग को संतुलित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। पहले भाग में मैंने बताया कि यामा क्या होता है। यामा का मतलब होता है अहिंसा, सत्यास्था, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका मैंने विवेचन कर दिया है। दूसरा होता है नियमा। अब दूसरों के लिए अपने विचार, व्यवहार, संस्कार को कैसे प्रकट करोगे ये तो बता दिया। अब अपने आप के साथ कैसे तुम व्यवहार करोगे, मेरे भाई बहन, बेटी बेटे, ब्रह्मांड के पूरे लोग, मेरे बहनों और भाइयों, उसमें है कि स्वच्छ, अपने मन को स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो, विचारों से पवित्र रखो, पवित्र विचार, मनसा वाचा करना, पवित्र विचार, स्वच्छ, प्योर, प्यूरिटी ऑफ थॉट, इससे तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। व्हाट इज प्यूरिटी ऑफ थॉट दैट आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ, दिस इज काम, क्रोध, मद, लोह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को दूर कर दो और सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह को अपने जीवन में लाओ और इससे पवित्र हो जाओ। ये हो गया मानसिक संतुलन बना के रखना, मनसा वाचा करना, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये चारों चीज़ को प्योर करना है और इसके लिए तुम्हें चलना है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, बता ही दिया हूँ। और इसके बाद आता है तुम्हारा स्वच्छ, संतोष, संतुष्ट रहो। जिंदगी में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जितना है उसी में खुश रहो। संतोषम परमम सुखम, गोधन गजधन बाजधन और तनधन खान, जो पावे संतोष धन सब धर धुर समान। जो संतोष है, जैसे मैं फकीर योगी वीरेंद्र योगी, फकीर का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुद्ध विवेकानंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्रेम चाहिए और मैं आपको अद्भुत सेवा करने की भावना से प्रेरित हूँ, इसीलिए मुझे केवल चाहिए आपका खुशहाली, विश्व शांति चाहिए। कोई भी देश लड़े झगड़े नहीं, दूसरे से प्रेम करे, सहयोग करे, सहयोग से ही तो सभ्यता आई, सहयोग से ही तो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, अनुसंधान हुए और पृथ्वी इतना खुशहाल हुआ। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति जब आ जाती है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति, अहंकारी, रावण, कुंभकर्ण, दुष्ट, दुर्योधन, दुर्योधन, तो फिर से महाभारत की लड़ाई अभी लड़ी जा रही है। इसीलिए मानसिक संतुलन बना के रखना आवश्यक है। स्वच्छ, संतोष, संतुष्ट रहो। इसके बाद तपस्या। तपस्या से दुनिया की सारी साधनों को हम ला सकते हैं। वैज्ञानिक लोग दिन रात तपस्या करते हैं, मैं हमेशा तपस्या करता हूँ, आप तपस्वी हैं। तपस्या से ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, उद्यम से ही तुम्हारी मनोरथ की पूर्ति होगी। इसीलिए गीता में जब मैं कृष्ण था तो कहा था, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुः मातु स्वगतं। कर्मवीर बनो। कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है। ज्ञान के बदौलत तुम अपनी दुनिया में अपनी एक विश्वास पैदा करो, अपने आप को किसी के विचारों के गुलाम मत बनाओ, जो सत्य है उसके रास्ते चलो। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बार बार बताया, मैं सत्य बोलता हूँ, सूर्य सूर्य है, चंद्र चंद्र है, सत्य सत्य है, ये कभी मिटता नहीं, दिखता नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत तरह के लोग ऐसे आए कि अपनी मर्जी से लोगों के दिमाग में जहर भर दिया और आज दुनिया जो जल रहा है उनके जहर से ही चल रहा है। मारो, काटो, लूटो, सत्याय कर दो, जीव जंतु जो बेचारे निर्जीव हैं, निर्जीव नहीं प्राण तो है लेकिन बेसहारे हैं, बेचारे हैं, मार डालो, सर्वनाश कर दो उनको, हस्ती मिटा डालो, मारो मारो, छी 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 छी। अरे दुष्ट अगर सीखा होता बुद्ध से, विवेकानंद से और इस फकीर से, आत्मस्वरूपते सु, सारी आत्माएं का सम्मान करो, सबको खुशहाल से जीने दो, चिड़ियों को चहकने दो, जानवरों को जीने दो, उनको खाना पानी दे सकते हो, क्योंकि मनुष्य की जिम्मेदारी है कि इन बेसहारे बेचारे जिनमें की मानसिक शक्ति नहीं है, केवल शारीरिक पार्श्विक शक्ति है, उनको भी सुरक्षित रखना। इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा और पृथ्वी कभी माता हमें बहुत दिनों तक हमारे को सब कुछ दे पाएगी। संतुलन बना के रखना, इसको बोलते तपस्या। तपस्या करो, तपस्या से ज्ञान होगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है स्वाध्याय। अपनी अगर तरक्की चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव या पर्सनल इनिशिएटिव, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, इससे तुम आगे बढ़ सकते हो। अपनी सहायता खुद करो, अपनी मदद खुद करो। दूसरों के सहारे जीने वाले फकीर हो जाते, भिखारी हो जाते, बट ये फकीर बुद्ध है, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हम भूखे भी रहेंगे, तुम जीना, मैं मर गए तो फिक्र नहीं, मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिले, तुम लोगों को मिलना मेरे भाई, यही मेरी प्रार्थना है। तो इसको बोलते हैं स्वाध्याय। इसके बाद ईश्वर परिधान। देखो, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, फिजिसिस्ट हूँ, मेरे दोस्त आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स और ऐसे रिचर्ड डॉकिंग्स, ऐसे लोग जो सत्य को पहचानते हैं, अहंकार में नहीं, विश्वासों में नहीं पलते,
वो ज्ञान में अपने आप को धोते हैं, उज्ज्वलित करते हैं और अपनी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। इसीलिए मैं किसी धर्म का नहीं, मैं किसी धर्म से जुड़ा नहीं, मैं कर्म से जुड़ा हूँ, ज्ञान से जुड़ा हूँ। तो देख लो, ईश्वरा परिधाना का मतलब है प्रकृति के नियम का पालन करो, तुम्हारे देश के जो कानून कायदे हैं उसका पालन करो, परिवार के नियम कानून कायदे उसके पालन करो। ईश्वरा परिधाना, ईश्वरा का मतलब है प्रकृति का जो नियम कानून कायदा है, क्योंकि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, जिसे तुम भगवान कहते हो। भगवान को समझना है तो प्रकृति के रहस्यों को समझो। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन दिया, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया, ये सब है प्रकृति के रहस्य को समझना। तो रहस्य को जो समझता है ना, वही सच्चा भक्त होता है। तो आपका जय हो कल्याण, ओम शांति।